सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स गुरु और ये है चैप्टर बिजनेस स्टडीज का जहां पर 10 मिनट का टारगेट है और हम करने वाले हैं पूरा चैप्टर विद मेन हेडिंग बिकॉज बिजनेस स्टडीज में मेन हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आपने इसका पार्ट वन यानी चैप्टर वन नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखना उसका लिंक मैं इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो चलिए शुरू करते हैं टेन मिनट्स का टारगेट और हमारे पास है दस मिनट में टारगेट समझाने का चैप्टर नंबर टू यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिक्स मार्क का केस स्टडी इस क्वेश्चन में से आना ही आना है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप देखेंगे आपके सैम्पल पेपर में अराउंड थर्टी टू नंबर क्वेश्चन पे आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट सबसे पहले बात टेलर की करते हैं टेलर बहुत ही रहा है। हमने पूछे हैं में तो, में अगर आज के में भी देखें, तो हम अप्लाई करते हैं अपनी वर्क प्लेस में सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थाम यानी हर एक चीज का साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए काम करने का ना कि ट्रायल एंड एरर हो या फिर पुराना ओल्ड बेटा रूल ऑफ थाम दूसरा हारमोनीट थर्ड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म

तो टेलर ने कौन कौन सी टेक्निक्स हमें दी हैं? सबसे पहला फंक्शनल फोमेनशिप आपने देखा होगा चार प्लानिंग के चार प्रोडक्शन इन नेक्स्ट डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मेथड स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी एंड फेटिक स्टडी तो ये कुल मिला के छह टेक्निक्स बनती हैं जल्दी से दोबारा से आप देख लीजिए आपने इसका डायग्राम भी बना रखा होगा हो है ना और डिफरेंशियल पीस वे ताकि जो इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव वर्कर्स है उनको डिफ्रेंशियट करने के लिए जो अच्छा काम कर रहा उसको करे उसको ज्यादा प्रोवाइड करें स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मेथड स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी एंड फेटिक स्टडी तो जल्दी से ले ले कमेंट बॉक्स में क्या है यहां पर सिक्स टेक्निक्स पहला फंक्शनल फॉर्मरशिप डिफरेंशियल पीसवे सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मेथड स्टडी मोशन टाइम एंड फेटीक स्टडी तो जल्दी से दोनों को वीडियो पॉज करके दोबारा से याद करना ए फोर साइज का शीट ले लो और जल्दी से चार ये और छह आपको पेन डाउन करने फटाफट तो वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर पहला जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो ये साइंस बट नॉट रूल ऑफ थाम सेकंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड कॉपरेशन नॉट इंडिवेलिजम एंड फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज अहर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह आती है लोगों की ग्रोथ के डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं टेक्निक्स की एक बार फिर फंक्शनल फॉर्मरशिप डिफरेंशियल पीस वेज स्टैंडर्डाइजेशन मेथड स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी एंड फटिक स्टडी टाइम स्टडी में कि कितना टाइम लेंगे इस काम करने को ताकि कितनी वर्क फॉर् समय चाहिए मोशन स्टडी में जो बेकार के अननेसेसरी जो मूवमेंट्स है वो हटा देना और जो नेसेसरी मूवमेंट है उनको एड ऑन कर देना मेथड जो बेस्ट मेथड हो काम करने का वो और लास्ट में फटिक या काम करते काम करते करते थक जाते उनको बीच में इंटरवल प्रोवाइड करना वो भी कितनी देर का ये सब चीज़ें

फ्लेक्सिबल होते बिकॉज हम ह्यूमन के साथ डील कर रहे हैं तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है ये बात बेसिकली फेल की कर रहे हैं मेनली बिहेवियर है बिकॉज यहाँ पर हम ह्यूमन को डील करते हैं और जैसे कि हम लोग पेपर चेक करते हैं केवल आप लोग कहते हैं अरे पेपर चेक हुए टीचर ने टाइट चेकिंग की है शायद उसका मूड खराब होगा इस तरह से बिहेवियर है

अगेन यहाँ पे सिक्स इंपॉर्टेंस है पहला इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इन इनटू रियलिटी टू रियलिटी चेक देता है मैनेजर्स को जो रिसोर्सेस होते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से यूज किया जाते हैं ऑप्टिम ऑफ रिसोर्स ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हो यहां पर साइंटिफिक डिसीशन लिए जाते हैं बिल्कुल सही डिसीजन लिए जाते हैं मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स

तीन बार आपको लिखना है और कुछ भी नहीं करना और इसका बेनिफिट आप देखिएगा बिकॉज रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल जब आप तीन बार लिख लेंगे आपके पॉइंट जहन में 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 आ आ जाएंगे जाएंगे माइंड और लास्ट अपने मोबाइल फोन में आपको खुद बोलना है खुद इसकी इंपॉर्टेंस खुद इसके फीचर्स फ्यूल के प्रिंसिपल बोलने हैं रिकॉर्ड करने हैं और कानों में लगा के सुनना है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिविजन ऑफ वर्क तो आप देख सकते हैं काम को डिवाइड कर दिया ताकि स्पेशलाइजेशन आ जाए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है जिसमें क्वेश्चन आता है हमारा पैरिटी ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन Decrops, and then discipline. Discipline, होने से हमारी सारी चीजें टाइम से खत्म होती है ऑर्गेज फॉर्म में हमारा काम पूरा होता है यूनिटी प्रेम प्यार आपस में टीम भावना देन स्केलर चेन और स्केलर चेन के अंदर ही गैंग प्लैन का आप टॉपिक करके जाएंगे बाद में आता है ऑर्डर ठीक है हर चीज का जो है जो मेन मशीन मेटीरियल सब प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस हो देन इक्विटी आती है यानी जो मैनेजर है वो सबको एक जैसा व्यवहार करें कोई भी डिफरेंशिएट ना करें स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल निकालें यानी किशन ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड आप जल्दी से, कर लें, -फट। जल्दी से तो एक बार फिर करते हैं डिविजन ऑफ वर्क अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ कमांड तो जो डी है वो डी से डैड से डिविजन ऑफ वर्क अथॉरिटी रिस्पॉसिबिलिटी और जो डैड का डी है यहां पे डिसिप्लिन आ गया ेशन एसपे डी कॉप स्केलर चेन ऑर्डर इक्विटी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव सबॉर्डिनेशन एंड सेंट्रलाइजेशन एंड बॉक्स में लिखिएगा फोर्टीन के फोर्टीन प्रिंसिपल और दोबारा से इसको याद कर लेते हैं तो चलिए टाइम हमारा होने वाला है खत्म बट इसको जल्दी से रिकैप री, कर लेते हैं पूरे के पूरे चैप्टर को सबसे पहले अगर बात करें हम लोग प्रिंसिपल मैनेजमेंट की तो बात करते हैं इनके नेचर की तो सबसे पहले नेचर क्या है यहां पर यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन दे आर फ्लेक्सिबल मेनली बिहेवियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कॉन्टिंजेंट इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज साइंटिफिक डिसीशन मीटिंग द चेंजिंग इंग इन्वायरमेंट इट हेल्प्स टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च

और अगले वीडियो के लिए बने रहिए डू लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है बिकॉज आज आज के दिन पूरा कोर्स आपका मेमोरी मैप के साथ खत्म होने वाला है थैंक यू ऑल